तो जॉगिंग भी नहीं है ना वॉकिंग है ना जिम विम जाना इस्लाम के खिलाफ समझा जाता है मैं कभी कभार जिम जाता हूं हर थोड़ी देर में आदमी आके मुझे देख रहे होते जैसे कोई पता नहीं कोई खलाई मखलूक आ गई है कह रहे मुफ्ती साहब आप मुफ्ती साहब आप रियली तो पता नहीं कितने तो अकीदत यानी चैनल को अनसब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक मुस्लिम मुफ्ती हो गया यार ये काम कर रहे हो आप मुझे एक बात बताओ एक कॉमन सेंस की बात है साहबा के दौर में बल्कि साहबा क्या सौ साल पुराने चले जाए जिसमानी मेहनत ज्यादा थी ना लोगों की गाड़ियां आजाद नहीं हुई थी बाइकें नहीं थी सारे काम पैदल होते थे और सारे काम लोग घर में खुद करते थे वजन भी उठा रहे हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं कंप्यूटर ऐजाद नहीं हुआ था कोई ठिश पिश बटन वटन का को कोई सिस्टम नहीं था बेल भी नहीं होती थी दरवाजा बजाना पड़ता धाप 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 उससे हाथों की एक्सरसाइज होती थी क्या ख्याल है गधा गाड़ी को गधे को चलाने में आदमी को खुद गधा बन बनना पड़ता है गधा अगर मरियल है तो उसको धक्के दे रहे हैं घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी ये सारी चीजें होती थी ना तो जिस्मानी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी अब मुझे एक बात बताओ साइंसी तरक्की से क्या इंसान की नेचर चेंज हो गई है हैं लोग कहते हैं अब इतनी तरक्की का दौर है अब हमें जिस्मानी मेहनत की जरूरत नहीं है तो मैं कहता हूं भाई आदम सलाम को भी पेट भरने के लिए रोटी खानी पड़ी थी गंदुम या जौ अब कोई कहे कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है अब हम दस हजार साल पुराना वाला फलसफा नहीं चलाएंगे अब भी वही खरबूजे खाएं, अनार खाएं, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है अब तो गैस पे चलेंगे हम हो सकता है भाई जापान का साइंसदान जो बहुत बड़ी ईजादात कर चुका है लेबोरेटरी में जब वो काम कर रहा होता है ना तो अपनी एनर्जी के लिए उसको भी बाहर निकल के खरबूजा खाना पड़ता है ऐसा ही है ना वही तरीके से इंसान की बॉडी में कोई चेंज नहीं आया मेदे का सिस्टम वही है जो दस पंद्रह बीस हजार साल पहले था चबाना इन्हीं दांतों से पड़ेगा ग्रैंड की भी चीजें आप पेट में डालोगे कि मुझे दांतों के चबाने के अब तकलुफ ना हो तो वो थोड़े दिनों में मर जाओगे वैसे ही आप ऐसे ही है ना रोटी भी चबानी पड़ेगी आपको वो सारा हां बीमारों के लिए नई नई चीजें आजाद हो गई हैं लेकिन वो जो चीजें आजाद हुई हैं वो भी हैं यही यही जड़ी बूटियां हैं जिनको मुख्तलिफ शक्लों में पेनाडॉल अब इस पैकिंग में आ गई है वरना पेनाडोल हमेशा से खा रहे इंसान लेकिन इस शक्ल में नहीं था इस शक्ल में नहीं वो किसी और शक्ल में होगी वो हकीम को जड़ी बूटी खिला देते होंगे जिसमें बुखार उतारने के कुछ कुछ चीजें पड़ी हुई होती होंगी उसमें तो पैरासिटामोल जो है ना जो मशहूर एक फॉर्मूला है तो इसी तरह याद रखो जब साइंस कितनी ही तरक्की कर ले अब अगर कंप्यूटर ऐजाद हो गया है और आप बटन पे सारे काम कर लेते हो तो इससे आपकी उंगलियों को जो हरकत देने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी समझ रहे हो ना उसके लिए आपको अलग से हरकत देनी पड़ेगी भागना पड़ेगा चलना फिरेगा क्योंकि अल्लाह ने जो हमें मसल दिए हैं वो इसलिए थोड़ी दी है वो तो हाथ तो वजन उठाएगा तो हाथ हाथ रहेगा पाओ से चलोगे तो चलने के काबिल रहोगे और ये बात तो वो जिन्होंने ये मशीनें ईजाद की हैं वो हमसे ज्यादा इन, इन चीजों के कायल हैं तभी वो इतनी कुछ ऐजाद करके भी साइकिलिंग कर रहे होते हैं सुबह सुबह साइकिल चला रहे होते हैं जॉगिंग कर रहे होते हैं मैं मलेशिया में था तो ज्यादातर गैर मुल्की हमें लगे पार्क में जॉगिंग करने वाले मुसलमान वहां भी क्या है बेचारे शॉर्ट तो अब इसमें कोई मुफ्ती हो आलिम हो जो भी हो कुछ भी बन जाओ तो बॉडी ये नहीं देखती कि आप मुफ्ती साहब हैं तो आप घर में पड़े ठीक है हैं खाते जाएं स्टोर करते जाएं आपके कोहान की शक्ल में जमा हो जाएगा क्योंकि आप मुफ्ती हैं आपके पास वर्जिश का टाइम नहीं है या वर्जिश आपके वकार के खिलाफ है लोग क्या कहेंगे लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब हो गए डंट पेल रहे हैं <laughs> तो लिहाजा आपके चूंकि एक्चुअली वकार के खिलाफ है तो वो क्या नतीजा ये निकलेगा कि वो जो मुफ्ती साहब हैं बॉडी नहीं मानती किसी को तू मुफ्ती है या आलिम है या डॉक्टर है या कुछ बॉडी नहीं मानती वो कहेंगे भाई पहले तुम इंसान हो मेडिकल साइंस की जबान में तुम एक समझदार हयावान हो हकीकत है ना मेडिकल साइंस क्या कहती है इंसान भी जानवर ही है लेकिन एक बड़ा जहीन किस्म का हयावान है वो तो, तो लिहाजा तुम्हें सेहत को मेंटेन रखने के लिए वो तमाम काम करने पड़ेंगे जो एक मजदूर को करने पड़ते हैं एक गुटके वाले को करने पड़ते हैं एक टमाटर वाले को करने पड़ते हैं इसमें चाहे वह मुफ्ती आजम हो चाहे वजीर आजम हो चाहे वो कुछ भी हो लेकिन लोगों की एक सोच की बात बता रहा हूं तो अब अक्सर दीदारों को देखा है वो वर्जिश नहीं करते वो वकार के खिलाफ समझते हैं बुज़ुर्ग बाज़ लोग हैं वो नहीं कर रहे होते वर्जिश हाल वो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं यार हम वर्जिश करें वो अगर पार्क में कदमी भी कर रहे होते हैं ना तो वो अपने बुजुर्गी का पूरा ख्याल करके कर रहे होते हैं ऐसे वक़ार से खरामा खरामा चलो फिर मुरीदीन कह रहे होते हैं कि हम हज़रत जी से एक कदम आगे निकल गए तो गुस्ताखी हो जाएगी तो मुरीदीन की वॉकिंग भी गई तेल लेने मैंने देखे बाज़ लोग खान से फ़ारग हैं कोई ख़िलाफ़त मिली हुई है उनको जवान है तो अब वो वॉकिंग कर रहे होते हैं पार्क में बड़ी तमीज़ के साथ ना वक़ार के साथ और उसी वक़ार का ख्याल करते हुए उनके मुरीदिन भी पीछे पीछे वो मुरीदीन ये हो रहे थे एक कदम आगे निकल गए तो गुस्ताखी भी हो सकती है अब गुस्ताखी तो के चक्कर में वो तेज़ वॉक ही नहीं हो रही तो मैं कहता हूँ या तो तमीज़ अदब अदब कर लो या अपनी सेहत बना लो दोनों में से एक काम कर लो तो उन लोगों से मुरीदों से कहता हूँ भाई अपने शेख के साथ वॉकिंग की जरूरत ही किया है शेख की स्पीड आहिस्ता है आपकी स्पीड तेज है तो अगर बेदबी का खतरा है तो दूसरे पार्क में जाके वहाँ कर लिया करो ठीक है ना <laughs> क्योंकि सेहत ये नहीं देखती कि आप अदब की वजह से आस्था चल रहे थे अगर सेहत ये देखती ना कि चूंकि इनके पास चलने का टाइम नहीं था इनको तेज चलना चाहिए था लेकिन चूंकि एक्चुअली एक, एक मजबूरी थी जिसकी वजह से आहिस्त चल रहे थे तो इनकी एनर्जी जितनी बर्न तेज चलने में होनी चाहिए थी उतनी आहिस्त चलने में होगी फितरत इन चीजों को लेफ्ट नहीं कराती।, नहीं कराती तो सेहत के मामले में दीनदारों को देख लो सेहतें बर्बाद की हुई हैं और फिर एक साहब को तो मैंने यहां तक कहा मैंने कहा देखो फिर भी अल्लाह चाहे बीमार कर सकते अगर कोई जिम जा रहा है जॉगिंग कर रहा है सारा सेहत का ख्याल कर रहा है फिर भी अल्लाह फिर अगर बीमारी आएगी ना वो किसकी तरफ से होगी अल्ला वो अल्लाह की तरफ से होगी वो अल्लाह की तरफ से होगी वजह उसकी यह कि भाई वो इसके बस में जो था वो उसने इब्राहिम बीमार हुए तो क्या वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते होंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए हमारे नबी से ज्यादा कौन सेहत का ख्याल रखता होगा आपने तो वो चीज़ें बताई हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह उनसे मना किया है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए